मेरा ठाकुर तुम्हारा धन नहीं चाहता, तुम्हारा तन नहीं चाहता, मेरा ठाकुर तो तुम्हारा मन चाहता है प्यारे। मेरा ठाकुर तुम्हारे पदार्थ नहीं चाहता, वो तो प्रेम चाहता है तुम्हारा। पदार्थ नहीं चाहता, वो तो प्रेम का भूखा है। और जब ये बात ब्रह्मा जी ने देखी कि अरे ये तीनों लोगों का ठाकुर कहा जाता है, ये एक गमार ग्वाले के मुंह को चाट रहा है, ये परमात्मा नहीं हो सकता है, ये परमात्मा नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी को मोह हो गया और जितने बछड़े थे सब हरण कर लिए, ग्वाल वालों को हरण कर लिया, एक गुफा में बंद कर दिया। कन्हैया ने कहा ब्रह्मा जी कोई बात नहीं, हमारी माया से तो बड़े बड़े सब मोहित हो जाते हैं और तुम हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई बात नहीं। कन्हैया ने जैसे बछड़े थे जैसे ग्वाल वाल थे सब नए बना दिए, सब नए बना दिए। ब्रह्मा जी ने सोचा, कुछ दिनों तक इंतजार किया, ब्रह्मा जी ने सोचा कि कन्हैया ने ढूंढा नहीं, ढूंढा नहीं, हमने तो सब ग्वाल बाल बछड़े सब चुरा लिए, गुफा में बंद कर दिए, लेकिन कन्हैया ढूंढना नहीं आया, देखें क्या कर रहा है। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने देखा तो देखा सारे के सारे ग्वाल बाल वैसे ही की वैसे ही, बछड़े सब चर रहे हैं, कन्हैया मुरली बजा रहा है। ब्रह्मा जी की हालत खराब, बोले हमने ये क्या किया। कन्हैया ने तो ये सब, ये तो बछड़े ग्वाल बाल सब वही, और हमने चुराए वो वहां बंद, लेकिन ये तो सब वहां चर रहे हैं, सब ग्वाल वाल खेल रहे हैं कन्हैया के साथ। हमने बहुत बड़ी गलती की, हमने उस परमात्मा की परीक्षा ली। ध्यान रखना, कभी परमात्मा की परीक्षा मत लेना, जो परीक्षा लेता है उसका विनाश हो जाता है। सती ने परीक्षा ली थी, समाप्त हो गई थी। ब्रह्मा ने परीक्षा ली, दशा कुछ बकाया नहीं रही। परीक्षा समीक्षा और प्रतीक्षा, परीक्षा सती ने ली, ब्रह्मा जी ने ली, और समीक्षा सुपर्ण खाने की, बोलो क्या दशा हुई, और प्रतीक्षा किसने की, प्रतीक्षा सबरी ने की। प्रभु चलकर के सबरी के पास पहुंच गया। ध्यान रखना, अगर लेनी है करनी है तो प्रभु की प्रतीक्षा करना, कभी समीक्षा न करना, कभी उसकी परीक्षा मत लेना। ब्रह्मा जी ने सोचा अब तो भलाई इसमें ही है कि यहां से भाग लिया जाए, और किसी में भलाई नहीं है, जल्दी से भाग लिया जाए। ब्रह्मा जी भाग करके अपने ब्रह्मलोक में पहुंचे और जैसे दरवाजे पर पहुंचे द्वारपालों ने रोक दिया, बोले नो एडमिशन विदाउट परमिशन। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं ब्रह्मा हूं, मैं ब्रह्मा हूं, हमारे द्वारपाल होकर के हम ही को रोकते हो। द्वारपालों ने कहा तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब, ब्रह्मा जी हमारे जो अंदर बैठे हैं तुम कहां से आ गए, ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे हुए तुम नकली ब्रह्मा कहां से आ गए। ब्रह्मा ने सोचा हम न तो घर के रहे और न घाट के रहे, जो भगवान की परीक्षा लेता है वो ब्रह्मा की तरह न तो घर का रहता है न घाट का रहता है, बोले हम तो कहीं की नहीं रहे, अब क्या करें। ब्रह्मा जी वहां से भी भागे और भाग करके भगवान के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे प्रभु न जाना था तुम ही, न जाना था तुम ही भगवान बालक बन के आए हो, न जाना था तुम ही भगवान बालक बन के आए हो, न जाना था तुम ही भगवान बालक बन के आए हो, न जाना था तुम ही भगवान बालक बन के आए हो, न जाना था तुम ही
हो न जाना था तुम्ही दुनिया न जाना था तुम्ही दुनिया के कण कण में समाए हो न जाना था मस्तक मन जो गोरोचन लगाए हो न जाना था तुम्ही भगवान बालक बन के आए हो न जाना था तुम्ही भगवान बालक बन के आए हो जी ने क्षमा मांगी। कन्हैया ने ब्रह्मा को क्षमा कर दिया। अब शांडिल्य ऋषि ने कन्हैया को गोपाल नाम से पुकारा, गोपाल नाम रख दिया और इसी दिन से कन्हैया का एक नाम गोपाल भी पड़ गया। कन्हैया गायें चराने जाने लगा नित्य। उसने वन में जो धेनुकासुर नाम का असुर था उसका बलदाऊ भैया के द्वारा वध करा दिया। ये धेनुकासुर कौन है? धेनुकासुर वो है, ये धेनुकासुर वन में रहता था और वन के फलों को न तो स्वयं खाता था और न किसी को खाने देता था। जो न स्वयं खाए और न किसी को खाने दे वो कौन है? धेनुकासुर। जो कमाए तो इकट्ठा तो करे लेकिन खर्च न करे वो धेनुकासुर। हमारे शास्त्र में कहा गया है, मनुस्मृति में कहा गया है कि अपने परिश्रम के द्वारा उपार्जित धन का दशांश दान करना चाहिए, तभी वो खर्च के योग्य होता है।
शोधन धन्य प्रथम गति जागी जागी, धन्य पुण्य रत मत सोई पाकी। धन का दशांश ध्यान करना चाहिए। और भागवत में, भागवत का मत है कि दशांश नहीं, पांचवा अंश दान करना चाहिए। धन का विभाजन पांच जगह कर देना चाहिए और पांचवा अंश दान करना चाहिए, तभी धन शुद्ध होता है। धेनुकासुर वो है जो इकट्ठा तो करता रहता है लेकिन खर्च नहीं करता, व्यय नहीं करता, दान नहीं करता, सदमार्ग में नहीं लगाता, सद्धर्म में नहीं लगाता है। ऐसे धेनुकासुर का कन्हैया विनाश कर देता है। कहते तो ये है कि जो संपत्ति को केवल इकट्ठा करता है, खर्च नहीं करता है, व्यय नहीं करता है, दान में नहीं लगाता है, वो उसकी अगली योनि सर्प की होती है, सर्प बनता है। एक व्यक्ति था हमारा, इतना कंजूस था कि कुछ भी खर्च नहीं करता, कुछ भी खर्च नहीं करे सब। एक बार एक लोगों ने बड़ी भागवत का आयोजन किया, कार्यक्रम का, सब लोग मिलकर के उसके पास गए, सेठ के पास, कि महाराज कुछ सहयोग कर दो। मना कर दिया। और लोगों ने कहा चलो कोई बात नहीं, एक बार फिर चलते, अगर वो अपनी जिद नहीं छोड़ रहे तो हम भी अपनी जिद नहीं छोड़नी चाहिए। सज्जन को अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए दुष्ट के प्रभाव में आकर, नहीं तो दुष्ट मजबूत हो जाएगा, तुम कमजोर पड़ जाओगे। एक बिच्छू था महाराज, गंगा जी में संत स्नान करने के लिए पहुंचे तो बिच्छू ने, जो बिच्छू था वो डूब रहा था गंगा जी में, तो संत ने उसे उठाया हाथ पे और जैसे उठाया काट लिया, और जैसे काटा दर्द हुआ तो फिर छूट गया, लेकिन फिर डूबने लगा तो संत ने फिर उठा लिया, फिर उसने काट लिया, फिर गिर पड़ा, और फिर जब डूबने लगा तो संत ने फिर उठा लिया। तो एक पास में खड़ा था भक्त, उसने कहा महाराज ये जब बार बार काट रहा है तो इसे छोड़ क्यों नहीं देते, डूबने क्यों नहीं देते, आप क्यों बार बार उठा लेते हो? तो संत ने कहा जब ये काटना नहीं छोड़ेगा जब तक, तब तक हम ये उठाना नहीं छोड़ेंगे। ये अपनी जब स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, अपना जब गुण नहीं छोड़ रहा है, तो हम क्यों अपना गुण छोड़ दें? क्योंकि अगर हम अपना गुण छोड़ देंगे तो इससे हम कमजोर पड़ जाएंगे, सज्जनता कमजोर पड़ गई। इसलिए तो पुनः उसके पास गए तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, नहीं मानते हो तो हम यहां तो नहीं, हम वहीं आकर के दे देंगे आप। चलो ठीक है, सबने कहा कोई बात नहीं, सब लोग चले आए। अब वो सेठ ने जो इकट्ठे कर लिए थे पैसे, पहले चांदी का सिक्का चलता था आप जानते हो, तमाम इकट्ठे कर रखे थे, कुछ खर्च तो किया ही नहीं था, तो उसमें से एक रुपया निकाला और मुट्ठी में बंद किया और भागवत कथा के प्रांगण की तरफ चल दिया। चलते चलते आया कथा पंडाल में, जैसे ही मंच के नजदीक आता जाए व्यासपीठ के, वैसे ही मुट्ठी और कड़ी होती जाए, जैसे जैसे नजदीक आ जा जाए मुट्ठी और कड़ी होती जाए, और जैसे ही व्यास पीठ के पास पहुंच करके मुट्ठी को खोला तो मुट्ठी इतनी कस गई थी कि वो पसीज गई थी ना, उसमें पसीना निकल आया था। तो जैसे ही खोला मोरे, अरे तू रो रहा है, तू रो रहा है। और ये से कहते कहते स्वयं भी आंसू निकल आए, बोले जब तू भी रो रहा है और मैं भी रो रहा हूं तो अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, अब मैं नहीं तुझे छोड़ूंगा। और फिर मुट्ठी बंद कर ली वापस आ। ऐसे धेनुकासुर का कन्हैया बध कर देता है, उसका विनाश कर देता है। अब कन्हैया ने एक और दिव्य लीला की। मैया सुस्त बैठी थी, कन्हैया मैया के पास गया, मैया तुम सुस्त क्यों, उदास क्यों? तो कन्हैया से मैया ने कहा कन्हैया उदास इसलिए हैं कि कंस ने
कमल पुष्प मंगवाए हैं काली देह से, और काली देह में बहुत बड़ा काली नाग रहता है, उसके भय से उसके पास तक कोई नहीं जाता है। इसलिए कन्हैया वो काम तू नहीं कर सकता है, वो तेरे बस का नहीं है, उस काली देह में तो कोई जा ही नहीं सकता, तू कैसे जाएगा। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो मैया, जहां कोई नहीं जा सकता वहां मैं जा सकता हूं, बिल्कुल चिंता मत करो। कन्हैया ने ग्वाल बाल इकट्ठे किए और काली देह के ऊपर जाकर के गेंद खेलने लगा। काली देह पे खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया, खेलन आयोरी मेरो चारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया। छोटो
काली ते देखे आयो री मेरो बारो काली ते देखे लने आयो री मेरो बारो सो कन्हैया काली ते देखे लने आयो री मेरो बारो सो कन्हैया काली ते देखे लने आयो री मेरो बारो सो कन्हैया काली ते देखे लने आयो री मेरो बारो सो कन्हैया काली ते देखे लने आयो री मेरो बारो सो कन्हैया जय जय श्री राम गेंद खेलते खेलते कन्हैया ने ऐसी ठोल मारी गेंद में यमुना जी में गेंद श्री दामा ने कहा कन्हैया हमारी गेंद ला के दो। कन्हैया ने कहा सखा तुम भी ऐसी बात करते हो, अरे ये कपड़े की फटी चिथड़ी गेंद अरे चलेगी चले जाने दो। श्री दामा तुम क्यों चिंता करते हो, हम इससे अच्छी गेंद तुम्हें ला करके दे देंगे। श्री दामा ने कहा नहीं हमें चाहिए तो वही चाहिए, हमें ना अच्छी चाहिए ना खराब चाहिए, हमें तो अपनी गेंद चाहिए। कन्हैया ने कहा नहीं मानोगे, अरे हम तुम्हें इससे अच्छी बना के दे देंगे, इससे अच्छी मैया से बनवा देंगे। नहीं हमें तो कन्हैया वही गेंद चाहिए, अपनी गेंद चाहिए। कन्हैया ने कहा नहीं मानोगे, बोले नहीं। कन्हैया कदम के वृक्ष पर चढ़ गया और कदम के वृक्ष पर चढ़कर कन्हैया ने यमुना में छलांग लगा दी और जैसे ही यमुना में कूदा जब ये बात ब्रजवालों को पता लगी सारा ब्रजमंडल गायें बछड़े सब यमुना के तट पर भागते हुए सारा ब्रजमंडल यमुना के तट पर पहुंच गया और सब इतने दुख में दुखी सारे के सारे बुरी तरह रेखने लगे चिल्लाने लगे अरे कन्हैया तूने ये क्या किया, अरे श्रीदामा तूने बहुत बुरा कर दिया, तूने ये क्या किया मेरे कन्हैया को, तूने यमुना में क्या जरूरत थी, अरे गेंद तो तुझे दूसरी मिल जाती। लेकिन नहीं, कन्हैया अंदर गया, नांग की पत्नी ने कहा बालक तू भूल से आ गया है, वापस हो जा, अगर हमारा नाग जग गया तो तू भस्म हो जाएगा, बच्चे तू कैसे आ गया। कन्हैया ने कहा मैं धोखे से नहीं, मैं जानबूझ के आया हूं, जान करके आया हूं, जान करके। बोले हां जान करके मैं आया हूं। नाग पत्नी ने नाग को जगाया और नाग ने जैसे कन्हैया को देखा अपनी संपूर्ण शक्ति से कन्हैया पर फुसकार मारने लगा, लेकिन नाग का सारा विष व्यर्थ चला गया, कुछ भी नहीं हुआ। कन्हैया ने कहा बस लगा ली ताकत, कन्हैया उछला और नाग के फन पर चढ़ गया, नाग को नाथ दिया और उस पर नृत्य करने लगा। नृत्य करता हुआ कन्हैया ऊपर आ गया। ये काली कौन है, ये काली और कोई नहीं है, ये जो उसके फन हैं, ये हमारे विषय ही, ये विषय ही काली के फन हैं। जैसे काली के फन असीमित हैं, ऐसे हमारे विषय भी असीमित हैं, इनसे कभी हम तृप्त नहीं होते हैं, अतृप्त ही रहते हैं। इसलिए जो काली है ये मन है और इसके फन जो हैं वो विषय हैं। जैसे मन कभी विषयों से तृप्त नहीं होता, इसलिए मन को मारा नहीं जा सकता। जैसे भगवान ने काली को मारा नहीं, मन को मारा नहीं जा सकता, मन को सुधारा जा सकता है, उसे नियंत्रण में किया जा सकता है। इसलिए कन्हैया ने काली को मारा नहीं, काली को नाथ दिया, नाथ दिया। और जैसे सब लोग ऊपर आए, वैसे ही जैसे कन्हैया हमारा ऊपर आया, वैसे ही सब लोग प्रसन्न हो गए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो। इस तरह
कन्हैया ने नाथ दिया काली को और काली से कहा, काली तुम रमण द्वीप में जाओ, अब यहां तुम्हारा कोई काम नहीं। तो कन्हैया ने काली को रमण द्वीप में भेज दिया। कन्हैया ने काली को कहां भेज दिया? रमण द्वीप में। मैंने आपसे कहा ना कि संसार में आप रहें, लेकिन कैसे रहें बोलो? जैसे नाव रहती है, जैसे नाव जल में रहती है, इसी तरह हमें संसार में रहना है। जैसे नाव जल को अपने अंदर नहीं आने देती, ऐसे ही हमारे मन में संसार नहीं आना चाहिए। हमारा मन चाहे कहीं भी रहे, लेकिन मन के अंदर संसार नहीं आना चाहिए। लेकिन आज हो क्या रहा है? ये मन हमारा काली नांग है और इसके जो फन हैं वो विषय हैं। मन जैसे कभी विषयों से तृप्त नहीं होता प्यारे, हम इतने कीचड़ में उलझे हैं, इतने जाल में फंसे कि हम कुछ कर नहीं पाते। अगर हम इसमें से निकल करके अगर हम थोड़े समय भी परमात्मा का ध्यान करें तो हमारे मन की व्यथा, हमारे मन की टेंशन, हमारे मन की उलझन समाप्त हो जाती है। अच्छा, आपने देखा होगा ना कि जब भगवान का आप स्मरण करने के लिए ध्यान में बैठते हैं तो आपको एक अलग अनुभूति लगती होगी, लगती होगी, समझ लो। उसका स्मरण, उसका ध्यान करते ही शांति मिलने लगती है, वो शांति धाम है। और ये क्या दिया है इस संसार ने हमें, क्या दिया है? अरे हम तो ऐसे गधे बन गए, इस भार ढोते ढोते हमारा तो दिमाग ही अपसेट हो गया। अरे और छोड़ो, व्यक्ति की स्मरण शक्ति इतनी कमजोर, बेचारा भूलने लगता, कहीं चाबी रख देता कहीं ढूंढता। बोलो नहीं ढूंढता क्यों? हर समय टेंशन ना, हर समय टेंशन। तीन पत्नियां थी तो एक पत्नी ने कहा, हमारे पति बड़े बड़े भुलक्कड़ हैं, बड़े भुलक्कड़ हैं, इतने भुलक्कड़ हैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, कितने भुलक्कड़ हैं? अरे बोले बहुत भुलक्कड़ हैं। कितने? बोले एक बार हमने उनसे सब्जी मंगवाई तो सब्जी में क्या मंगवाया? बोले सब्जी में हमने उनसे टमाटर मंगवाए कि जाओ टमाटर ले आओ। झोला लेके गए तो लेने गए टमाटर और घर में ला के रख दी मटर। इतनी भुलक्कड़? अरे बोले तब तो आपके पति कुछ भी भुलक्कड़ नहीं है। हमारे पति मालूम कितने भुलक्कड़ हैं? कितने? बोले हमारे तो पति इतने भुलक्कड़ हैं, एक बार हमने उन्हें झोला दिया सब्जी के लिए, जाओ सब्जी ले आओ, दो घंटे बाद लौटे और हमसे पूछा दो घंटे बाद लौट करके कि आपने क्या मंगाया था। बोले बस आपके पति इतने ही भुलक्कड़? बोले और क्या? बोले हमारे पति मालूम कितने भुलक्कड़ हैं? कितने? बोले हम आपको बता नहीं सकती, इतनी भुलक्कड़ हैं उनकी तो कुछ कहे नहीं, नहीं इतने भुलक्कड़ हैं। एक बार हम अपने सहेली के साथ मार्केट करने गई, हमें चौराहे पे मिल गए और चौराहे पे मिल गए तो हमारे सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और हमसे पूछने लगे, बहन जी हमने आपको कहीं देखा है? ये क्या दे रहा है संसार हमें? ये संसार हमें क्या दे रहा है? कहां ले जा रहा है? इसलिए प्यारे, अगर दिमाग को ठीक रखना चाहते हो, अगर शुद्ध रखना चाहते हो, संतुलित रखना चाहते हो, तो संसार से नहीं, उस सबके सार से, उस सरकार से अपना मन जोड़ो। संसार से नहीं, हमारे सरकार से मन जोड़ो। और जिस दिन हमारे सरकार से जोड़ दोगे उसी दिन तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आज गोपियों का मन मेरे ठाकुर में लगा हुआ है। आज कन्हैया ने मधुर मधुर बंसी बजाई, बरहा पीडम नटवर बपु कर्ण यो कर्णकारम विप्रदवाशः कनक कपिशम वैजंतीं च मालाम रंधान वेणुर धर सुदया पूरयन गोप वृंदैर वृंदारण्यम स्वपद रमणम
प्रावशद गीत कीर्ति। सारी गोपियां कहती हैं सखी आंखों और जीवन की सफलता यही है कि गायों को ले जा रहे मुरली अधरों पर धरे कृष्ण हमारी ओर प्रेम भरी चितवन से देख रहे हैं और हम उनकी रूप रस माधुरी का पान कर रही हैं। और जैसे ही गोपियों ने कन्हैया की मधुर मुरली की तान को सुना तो क्या दशा हुई गोपियों की कि बाजी ने बिसारी धीर बाजी ने फारी चीर। सब भूल गई पगला गई क्यों प्रेम में ज्ञान नहीं रहता है। ध्यान रखना प्रेम में ज्ञान नहीं रहता है। बाजी ने बिसारी धीर बाजी ने है भारी चीर बाजी के उठी है पीर चैन नाही मन में बाजी घर छोड़ भाजी बाजी पर छोड़ भाजी बाजी डर छोड़ भाजी व्याधि लागी तन में बाजी कहें बाजी 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 कहें कहां बाजी बाजी कहें बाजी 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 कहें कहां बाजी बाजी कहें बाजी है बांसुरी वृंदावन में बाजी कहें बाजी है बांसुरी वृंदावन में। और जैसे ही मधुर मुरली की आवाज सुनी सारी गोपियां पागल हो गई एक दूसरे से पूछने लगी गोपी एक बात बताओ हमने अपना सब कुछ कन्हैया के चरणों में निछावर कर दिया है सब कुछ त्याग दिया है उसके लिए कुल कान मर्यादा लोक लज्जा परिवार पुत्र संपत्ति सब कुछ उसके लिए छोड़ दिया है। गोपियों लेकिन हमसे भी ज्यादा कन्हैया मुरली को प्रेम करता है ये क्या बात है। एक क्षण के लिए भी मुरली नहीं छोड़ता चलता है तो कमर में और बजाता है तो अधर पर सोता है तो कट में एक क्षण भी मुरली नहीं छोड़ता है इसका कारण क्या है। तो गोपियों ने कहा जिससे प्रेम करता है उसी से पूछ लिया जाए। तो सारी गोपियां इकट्ठा होकर के मुरली के पास पहुंची और कहने लगती हैं मुरली तुम ही बताओ कि कन्हैया तुम्हें इतना प्रेम क्यों करता है कि तुम्हें एक क्षण भी नहीं छोड़ता। मुरली ने कहा देखो कन्हैया मुझे इसलिए प्रेम करता है पहला कारण तो ये है कि हमने धूप सही गर्मी सही वर्षा सही सब कुछ सहा लेकिन हमने कभी कन्हैया से नहीं कहा पहली बात। दूसरी बात कन्हैया हमें इसलिए भी प्रेम करता है कि हमारा पेट साफ है हमारे अंदर कुछ नहीं है। बोलो मुरली के अंदर कुछ होता है। बोले हमारा पेट साफ है और जिसका पेट साफ है कन्हैया उसी का हो जाता है प्यारे। लेकिन हमारा सब कुछ साफ होता है लेकिन पेट साफ नहीं होता है यही तो बस फर्क है। मुरली ने कहा हमारा पेट साफ है। दूसरी बात मुरली ने कही गोपियों एक बात और है क्या। बोले जिसने हमारे पेट को खरोंचा हमने आज तक उससे भी कुछ नहीं कहा। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात बताई मुरली ने गोपियों कन्हैया हमें इसलिए भी सबसे अधिक प्रेम करता है कि मैं कुछ नहीं बोलती हूँ जो कन्हैया बोलता है वही मैं बोलती हूँ इसलिए कन्हैया मुझे बहुत प्रेम करता है और कोई बात नहीं है। और कोई बात नहीं मैं कुछ नहीं बोलती जो कन्हैया बोलता है वही मैं बोलती हूँ यही प्रेम की परिभाषा है यही प्रेम है। तो गोपियां मुरली से तो कुछ नहीं कहती हैं कन्हैया से कहती हैं कन्हैया मोहन हमारे मधुबन में तुम आया ना करो मोहन हमारे मधुबन में तुम आया ना करो जादू भरी ये बांसुरी बजाया ना करो तुम बजाया ना करो जादू भरी ये बांसुरी बजाया ना करो बजाया ना करो जादू भरी ये बांसुरी बजाया ना करो
ना करो। चुराने वाले दिल चुराया ना करो, माखन के चुराने वाले दिल चुराया ना करो, माखन के चुराने वाले दिल चुराया ना करो। जादूगरी ये बांसुरी बजाया ना करो, तुम बजाया ना करो। जादू भरी बांसुरी बजाया ना करो, बजाया